अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। जबरदस्त मौसम हो रहा है, लगता है ऊपर वाला भी खुशी के आंसू बहा रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द एम ऑफ दिस वीडियो इज एक्चुअली नॉट टू मेक फन ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नहीं नहीं नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और इस इलेक्शन में इन महाशय का हारना बहुत जरूरी था, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी, बोले तो इंसानियत, उसकी वजह से। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जिसमें सारी दुनिया के देश इकट्ठे हुए थे कि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करेंगे, उससे यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर निकाल लिया, WHO से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली, धर्म के नाम पे कुछ देशों के लोगों को ट्रैवल बैन लगा दिया, और ना जाने कितने सारे ऐसे नेगेटिव पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स की जिसकी वजह से लोगों का विश्वास उठने लगा पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से, और एक नफरत सी हो गई सिस्टम और गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड दैट वाज अ वेरी डेंजरस साइन। अब उन्हीं सब रीजंस की वजह से लोग पूरी दुनिया में आज खुशी मना रहे हैं जो बाइडेन की जीत की नहीं बल्कि ट्रंप की हार की। बट पिछले 3-4 सालों में इन्होंने फार राइट पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है, बहुत ज़्यादा कॉमन बना दिया है, और काफ़ी देशों में US के बाहर काफ़ी पॉलिटिशियंस ट्रंप के इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने देशों में। लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे देशभक्ति और धर्म के नाम पे, जिससे कि इनके काम पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हमारे देश को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा सरकार बदलने से, ये तो टाइम ही बताएगा। किसी गवर्नमेंट के या किसी पॉलिटिशियन के आ जाने और चले जाने के बाद एकदम से तो लाइफ नहीं बदलेगी किसी की भी, ना कभी बदली है, कभी दुनिया परफेक्ट नहीं हो पाएगी, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, किसी की लाइफ अच्छी होगी किसी की बुरी होगी, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी ऑल हैव टू एग्री टू इट। बट दोनों कंट्रीज साथ में काम करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज दे हैव ए कॉमन पर्पस, दैट इज़ टू कीप चाइना अंडर चेक। एंड ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने में जो टॉप इकॉनमीज हैं वो बिना एक दूसरे के काम किए बगैर तो नहीं रह सकती, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट देर इज़ ए प्रोग्रेस एंड कलेक्टिव ग्रोथ, सो आई एम श्योर थिंग्स विल बी बेटर। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी, एंड वंस अगेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट पीपल विल फील बेटर, मोर पॉजिटिव, एक वाइब और एनर्जी आएगी पूरी दुनिया में, बिकॉज US में जो होता है उसका फ़र्क पड़ता है दुनिया के अलग अलग कोनों में। बड़ी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एंड देयर इंटरनेशनल पॉलिसी एक्चुअली इम्पैक्ट्स लॉट ऑफ लाइफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस पॉजिटिव एनर्जी और वाइब को अपने अंदर दबा के रखें और इस एनर्जी को यूज़ करें कुछ अच्छा करने में, और बस डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इम्पोर्टेंस है, उसको एक दूसरे को याद दिलाएं और एक अच्छी दुनिया बनाने की तरफ काम करते रहें। थोड़ी नफरत की राजनीति कम करते हैं और अच्छे शब्द ज़्यादा बोलते हैं, उससे एक आम इंसान को, एक आम आदमी को एक विश्वास मिलता है, और उस विश्वास के कारण वो जद्दोजहद में लगे रहता है, संघर्ष करता रहता है इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उसका जीवन बेटर होगा। उम्मीद ही जीवन, जीवन ही उम्मीद। सी यू इन फ्यू डेज़।